भारत के प्राचीन इतिहास के सीरीज में एक प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत में प्राचीन धार्मिक आंदोलन और प्रमुख धर्म। इन प्रमुख धर्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेश के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम केवल क्लास की सीरीज को नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर एक बेहतर आपके नोट्स तैयार हो जाएगी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी मेहनत से, आपके साथ देने से जरूर आपकी होगी। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आज टॉपिक डालिएगा बौद्ध एवं जैन धर्म, अर्थात हम कह सकते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है प्राचीन इतिहास का। और यह सीरीज प्रतिदिन आपके लिए इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चलता है, और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः 2 से 3 प्रश्न आते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घुमाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अपनी रेस को हम लोग पुनः आगे की तरफ ले चलें और अपना बेस्ट दें। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी साथी मित्र। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक का, मौर्य का, रोमनदेई स्तंभ, मूर्ति, पीपल ब्रिज या बौद्ध मठ? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, चलिए अशोक मौर्य का जो रोमनदेई स्तंभ है, एक ऐसा अभिलेख है, एक ऐसा स्तंभ है, लेख है, जहां से हमें यह ज्ञात होता है कि वह अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बरी ग्राम में गया, उसने वहां पत्थर की दीवारें बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। यहां पर भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, अतः लुम्बिनी ग्राम भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। कोई दिक्कत यहां से? ठीक, यहां से किसी को दिक्कत हो? लुम्बिनी ग्राम का जो भूमि कर था वो क्या करता, भूमि जो कर था कितना कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया। अगर वीडियो साफ नहीं चल रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, वीडियो आपको पूरी तरह से HD में चलना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, जरा एक बार कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो साफ चल रहा है, आवाज़ साफ आ रही है ना? ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग इसकी की नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना पढ़ने में या समझने में? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सभी साथियों के लिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बुद्ध गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, इनके पिता शाक्य वंश के क्षत्रिय शासक थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था, इनका पालन पोषण गौतमी मतलब बुद्ध की मौसी ने किया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 16 वर्ष की उम्र में शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हुआ, इनको एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। तो अब इनके बारे में किस वंश से संबंधित है, जरा कमेंट करके आप बताइए सभी साथी, क्या वीडियो साफ चल रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अध्ययन अध्यापन में? थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट बहुत देरी से आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो शाक्य वंश, मैंने पर बताया ये शाक्य वंश के थे, इनका पिता क्या थे? शाक्य वंश के क्षत्रिय थे, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है,
बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आप सभी के लिए। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो कहाँ आयोजित की गई। तो जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करके बताएं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ शुरू की गई थी? देखिए सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहे, दिए गए प्रश्न का जवाब भी देते रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजगृह। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? राजगृह होगा। यहां से प्रश्न आता है कि जो प्रथम बौद्ध संघ हुआ था वो कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। इसके संरक्षक अजात शत्रु हरियक वंश के थे। इसका विवरण बुद्ध के उपदेश का संकलन आनंद द्वारा सुत्ति पिटक तथा तो विनय पिटक के संकलन में मिलता है। यहां पर द्वितीय, यहां पे प्रथम हुआ था, यहां पर द्वितीय हुआ था, यहां पर क्या हुआ था? प्रथम और यहां पर द्वितीय। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, माने यह हुआ था 483 ईसा पूर्व, और वैशाली में जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व हुआ था। ये बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद। इसके अध्यक्ष सम्माकामी थे, संरक्षक कालाशोक शिशुनाग थे। यहाँ भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघ में डिवाइड हो जाता है। दूसरा पटना या पाटलिपुत्र में, यहां पर तीसरा बौद्ध संगीत तीसरा, ये कब हुआ था? ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके संरक्षक अशोक थे, मतलब लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसके अज्ञात शत्रु थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये हरियक वंश के थे। दूसरा कालाशोक था, कालाशोक था। तृतीय की बात करें तो अशोक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिम अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत में यहां पर मिलता है। चतुर्थ जो था वो कुंडल वनन में था, कश्मीर, ये क्या था? कुंडल वन, कुंडल वन। ये कब हुआ था? ये 72 ईस्वी में हुआ था, और इसके संरक्षक कनिष्क था, कनिष्क था। यहीं से बौद्ध हीनयान और महायान में डिवाइड होता है। किसमें? हीनयान और महायान में डिवाइड होता है। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो लाइव चल रही है और आप सभी लोग लाइव पढ़ रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको साफ न दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए कि ऐसी सीरीज आप पढ़ेंगे जो अभी तक आप लोगों ने केवल सुना होगा। अब अगर हम देखें तो कालाशोक जो था ये हरियक वंश का था, ये कहाँ था? कि हरियक वंश का था, अजातशत्रु का ना, ये नहीं, कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का था, ये था शिशुनाग वंश का था, अजातशत्रु ये हरियक वंश का था, अशोक मौर्य वंश का था, ये मौर्य वंश का था, कनिष्क ये कुषाण वंश का था, ये कुषाण वंश का था। यहीं से दो भागों में बौद्ध धर्म टूट गया था, किसमें? हीनयान और महायान। क्या जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्या सबको समझ में आया? बताइए जल्दी से कमेंट करके। बताइए सभी लोग जरा कमेंट करके, जो भी साथी से फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा, बहुत सारे चैनल पे जुड़े होंगे, लेकिन आज की क्लास आपके जीवन की एक ऐतिहासिक क्लास होगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से एकदम मैं समझाने का बताने का प्रयास करूंगा एक एक करके। पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति, ये चार संगीतियां हुई थी। कितनी? चार बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, लेकिन इसका संरक्षक अजात शत्रु जो हरियक वंश का था। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीत
उनके 100 साल के बाद, मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली के बालुकाराम में हुआ था और इसके संरक्षक कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था। जबकि तृतीय संगीत 250 ईसा पूर्व में पटना अर्थात पाटलिपुत्र में हुआ, इसका संरक्षक अशोक जो मौर्य वंश का था। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में होता है, एडी में होता है, कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ पर कनिष्क जो कुषाण वंश का होता है वो इसका संरक्षक होता है और बौद्ध धर्म यहीं से हीनयान और महायान में डिवाइड होता है। जी हाँ, ये आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज है जहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में हूबहू प्रश्न आते हैं थोड़े परिवर्तन के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना कर दीजिएगा बस। चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग जवाब देंगे। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया। अभी चार ही हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए याद रखिएगा, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में हुआ था। किसमें? राजा मिंडन। मिंडन के संरक्षण में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। पांचवा ये कहां पर हुआ था? मांडले में। मांडले कहां पे? वर्मा में। इसकी अध्यक्षता जगरा भीमांसा ने किया था। जबकि हरियक वंश के समय कन्नौज में विभिन्न धर्मों का विशाल जनसभा आयोजित किया गया। अशोक के समय तीसरी और कनिष्क समय चौथी हुई थी। कनिष्क समय क्या हुआ था? चौथी। अगर हम अशोक की बात करें इस समय तीसरी। ठीक, हर्ष के समय कन्नौज में धर्मों का विशाल सम्मेलन हुआ था। मतलब इसके जो विकल्प है वो चारों गलत है। ठीक है, चारों विकल्प यहां पर गलत है। ठीक है, चारों विकल्प यहां पर क्या है? गलत है। क्या होगा? पांचवा राजा मिंडन 1871 में, कहां पे? मांडले में। मांडले कहां पर? वर्मा। पांचवी बौद्ध संगीति यहीं पर हुई थी, मांडले वर्मा में। क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। वीडियो पूर्ण रूप में आपको एचडी में दिखाई देगा। ठीक, बुद्ध का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्ध का अर्थ क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए बुद्ध का अर्थ क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, देखिए बुद्ध का अर्थ एकदम आसान है, ज्ञान प्राप्ति। माने इस प्रश्न का सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। 6 वर्षों के साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल के वृक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ। इसके बाद बुद्ध नाम से विख्यात, अर्थात बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, यह प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं जानेंगे, अगर ऐसी गलतियां परीक्षा हाल में करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आर्या। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। देखिए बौद्ध साहित्य अगर हम पहचान की बात करें तो इसका नाम है त्रिपिटक। जी हाँ, बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक के नाम कितने लोगों को पता है? देखिए
तीन है। कौन कौन है? पहला सुत्ती पिटक लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सुत्ती पिटक। सुत्ती पिटक, पिट्टो की बृहद। इसमें बुद्ध के उपदेश व संवादों का मिलन है, ये एक नैतिक सिद्धांत है। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा अभिधम्म पिटक, ये आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी धम पिटक। इसमें पिटकों के माध्यम से बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार नियम निषेध का संकलन किया गया है। पिटक का मतलब टोकरी होता, जबकि जो जातक की कथाएं बुद्ध की पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। सुत्ति पिटक को बौद्ध धर्म का स्नाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हाँ, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, उपनिषद एवं आर्णयक वैदिक ब्राह्मण धर्म से है, अंग जैन धर्म से। अंग जो है ये किससे है? ये जैन धर्म से है, अंग जैन धर्म से है। ठीक, उपनिषद और आर्णयक ये वैदिक धर्म से है, ये किससे है? वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। हमने क्या किया, चारों विकल्पों को, ठीक है, चारों विकल्प की व्याख्या हमने कर दिया, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार एक सीट हमार आप लेकर रहेंगे। क्लियर? किसी को दिक्कत? चारों को व्याख्या में इसलिए बार बार कर देता हूं ताकि आप तोड़कर प्रश्नों को हल करना शुरू करें। बौद्ध धर्म के समाज को दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये प्रभाव कौन से थे? वाणिक्य पुरोहित गलत, साहूकार दास गलत, योद्धा व्यापारी गलत, स्त्रियां एवं शूद्र इसके सही जवाब है। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा, उसके लिए न युगोपतीत संस्कार का विधान किया और न ही वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अर्थात प्रश्न का उत्तर डी सही और डी राइट आंसर है। क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या नहीं है ना? अगर हो तो जरूर जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका अस्तित्व अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में। एकदम हलवा प्रश्न है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ। अभी हम लोगों ने बताया कि 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान प्राप्त होता है। और बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका एक नाम और है, ऋषि पत्तनम। लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि इसका एक नाम और कौन सा है, तो ऋषि पत्तनम इसका एक नाम और है। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इनकी जो भाषा थी वो पाली थी। सोचिए ऐसे कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए। मेरे प्यारे साथियों, यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा दे तो चैनल को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि तो मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। जी हां, बस वही है। तो यहां पर जी हाँ, जबकि जैन धर्म के पार्श्व वाराणसी से संबंधित थे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया। यही बौद्ध संघ में प्रवेश भी प्रारंभ हुआ, जो आपकी परीक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारना, ऋषि पत्नम एवं मृगदाव व
वाराणसी है। इन्हें 5 साधकों को अपना पहला उपदेश दिया। साधक की संख्या कितनी थी? 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला, ये निशुल्क क्लास आप सभी के देश हित में है। एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के लिए, देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद्रोही ऑफिस के नंबर पर जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आप सभी के जनपुर जनपद से निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया के दुखों से भरी है। जी हाँ, कहता है दुनिया दुखों से भरी है, ठीक। फिर लोगों के दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। जी हाँ, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना? जी नहीं। मतलब बौद्ध जो धर्म था वह अनिश्वरवादी था और अनात्मिकवादी था। यहाँ पे दुनिया में दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होती है, यदि इच्छाओं को काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ABC अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। क्या अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है? क्या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे बुद्ध की जो घटना था, अब उसके आगे हम बताएंगे, 4 थे। जन्म जिसका प्रतीक चिन्ह कमल, गृहत्याग जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। ये इनकी प्रतीक चिन्ह है बुद्ध के जीवन के, जो परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां मिले? हड़प्पा काल में, उत्तर बोधि काल में, बुद्ध काल में या मौर्य काल में? सबसे पहले कब मिले? जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बताइए जल्दी कमेंट करके भैया, जो जो लाइव हैं वो जवाब देते रहें, ये वीडियो लाइव चल रही है, ठीक है। जी हाँ, देखिए धातु से बने सिक्के, देखिए ऑफलाइन के लोग आ गए हैं आपका जवाब देने के लिए, बता रहे हैं कि नहीं ये वीडियो लाइव चल रहा है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में, अर्थात शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा। कैसे? भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं-6वीं शताब्दी मिलते हैं, जो बुद्ध के काल में है। इन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचमार्क, या इन्हें आहत के सिक्के कहते हैं, आहत के सिक्के कहलाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के थे। किसके थे? अधिकांशतः ये चांदी के थे। कुछ ताबों के आहत के सिक्के भी मिले हैं। इन्हें आहत कहते हैं क्योंकि इन पर अलग ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाते थे। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध और मगध से मैसूर तक मिलते हैं, इसलिए इन्हें आहत के सिक्के कहते हैं। आहत क्यों कहते, एक प्रश्न आता है, सर इन्हें आहत क्यों कहते हैं? इन्हें अलग से ठप्पा मारा जाता था, ठीक है, समझ आया? क्योंकि यहां पे आहत का मतलब अलग से ठप्पा मारना, इसलिए इन्हें आहत का सिक्का कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, सवाल से जुड़ा हो तो आप 10 बार पूछेगा। बाकी रविवार स्पेशल में अतिरिक्त बात करने के लिए आप लाइव हम रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां से नहीं है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने ऊपर इसके बारे में बताया था, अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे, केवल प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत में बुद्ध धर्म से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा पाली भाषा। भाषा कौन थी? पाली थी। ये उस समय लोगों की भाषा थी, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए हैं। संस्कृत में भी बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन प्रारंभ में ये पाली भाषा में ही थे, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप सब पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हैं, चलिए
अगला, अरबी बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे? तो इसका उत्तर पता है, पाली भाषा। किस में? पाली भाषा आगे चलकर संस्कृत में भी लिखे गए। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला धर्म ग्रंथ है? एकदम इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका जवाब देना है, चाहे इसे फेसबुक पे दें, चाहे यूट्यूब पर दें, जहां हो सके आप जरूर दें। बताइए जल्दी कमेंट करके। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो भाई मेरा काम ही है बताना। आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का होगा वाम सात पाक्षनी, माने डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगर वीडियो साफ नहीं आ रहा है तो वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा सभी लोग। अब इसके बारे में और जानते हैं। सबसे बाद में इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहते रहे तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किससे है? सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। चलिए मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर घटना, ठीक है, दूसरी तरफ प्रतीक। सभी लोग कॉपी कलम लेकर लिख लें, कि सिलेक्शन के लिए क्लास है आप सभी के लिए। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। घटना में अगर हम देखें तो जन्म, जो जन्म था वो इसका चिन्ह कमल व साढ़, कमल व साढ़, ठीक। इसके बाद गृह त्याग, गृह त्याग किससे जाएंगे? घोड़ा से जाएंगे। फिर इनको ज्ञान मिलेगा, लिख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन नोट्स आपका बनेगा क्लास खत्म होने के बाद। ज्ञान कहां से मिलेगा? पीपल। इसे ही क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण, यहां पे पद चिन्ह, पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु, यहां पर स्तूप। तो ये आपकी परीक्षा के लिए स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। बताइए सभी लोग, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो इन सारे प्रश्नों को, इन सारे तथ्यों को जानना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया, इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, कुछ लोग चाहते हैं कि प्रश्न का आपको तुरंत उत्तर बता के आगे बढ़ो। ऐसे ज्ञान से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे ज्ञान से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊं यही परीक्षा में आए, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मैं व्याख्या करूंगा वहां से परीक्षा में जरूर आएगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि हम उन तथ्यों को बढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेहतर नोट्स बन जाए। ठीक,
बुद्ध के प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, प्रबोध का मतलब होगा ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से मिला बताइए? बोध गया में प्राप्त होता है। कहाँ पे मिलता है ये? बोध गया में मिलता है, ठीक है, सभी लोग जानते रहिएगा। सारनाथ में क्या होता है, कपिलवस्तु में क्या होता है, राजगिरी का संबंध किससे है, ये सारी बातें आप जानते रहे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, बाकी टाइम पास करना है तो कुछ कहीं भी पढ़िए। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। देखिए ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में तीन रत्न हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ, ये त्रिरत्न हैं। ये एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ एक संघ की स्थापना की। कितने? 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ एक संघ स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। त्रिरत्न क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। यह 3 श्लोक हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर हाल में तथ्य को पढ़िए, इसे नोट डाउन करिए, यकीन करिए, विश्वास करिए। बाकी ऐसे प्रश्न तो मैं कभी करा ही दूंगा कि इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर है। अगला, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है? देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसको बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रसार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। जी हाँ, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। रट लीजिएगा, सिलेक्शन अगर लेना है तब उनके 4 आर्य सत्य हैं। आइए चारों आर्य सत्य जो लिखिएगा। पहला है दुख, दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध। फिर दुख निरोध गामिनी। ठीक, तो ये 4 आर्य सत्य थे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रायः आप यहां से गलती करते हैं। ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल है, बौद्ध के प्रवित्त अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकाश। एकदम आसान प्रश्न है, तो यहां पर होगा स्तूप। बौद्धों के प्रवित अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को हम स्तूप कहते हैं। क्लियर? स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ऊपर हम लोगों ने देखा कि 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर में। कहां पर हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में है। इसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? महा
निर्वाण के नाम से जानते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में कुशीनगर कुशीनारा वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो था वो आपका ए राइट आंसर है। अच्छा, कुशीनगर से आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीन है और एक नहीं है। सारनाथ। सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश सारनाथ से दिया। बोध गया, जी हां, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के पेड़ के नीचे। कुशीनगर, अभी हम लोगों ने देखा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कह सकते हैं। लेकिन जो बाबापुरी है यहां पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, कहां पर? बाबापुरी। ठीक, कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व, राजगृह के पास। कहां पे? राजगृह के पास, पावापुरी में। तो मुझे लगता है चारों प्रश्न का जवाब आप सभी को पता होगा। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके इनका चारों के प्रश्न का जवाब अभी तक समझ नहीं आया? क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपके तथ्यों को पूरा समझाना है ताकि सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे। ठीक, फिर कोई दिक्कत या कोई समस्या? 468 सब, देखिए शायद ये 468 है क्या, एक बार मिला लीजिएगा, शायद 468 है, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग किताबों में। ठीक है, शायद 468 है क्या, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान छत्री एक विशिष्ट पहचान रखते थे? छत्री एक विशिष्ट पहचान रखते थे। एकदम ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बुद्ध के युग में, ए बुद्ध के युग में छत्री विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं छत्री कुल से थे। बौद्धकालीन जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसमें अधिकतर शासक छत्री कुल से संबंधित होते हैं। कौन से ग्रंथ से पता चलता है? अंगुत्तर निकाय, लिख लीजिएगा सभी लोग, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से पता चलता है कि महाजनपदों के ज्यादातर शासक क्षत्रिय कुल से होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का जवाब जो होगा ए राइट आंसर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो भैया पूछ सकते हैं, एक नहीं 1000 बार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। महावीर कौन थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैन धर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन शब्द का संस्कृत से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं इन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं जैन परंपरा के अनुसार। लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, पारसनाथ 23वें, लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है 24वें महावीर स्वामी। रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं,
तेईसवें पार्श्वनाथ थे। हाँ, तेईसवें कौन थे? पार्श्वनाथ। पहले कौन से थे? ऋषभ थे। चौबीसवें महावीर स्वामी। मतलब स्पष्ट का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बीस का सही और राइट आंसर। क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट? लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है। अगर अब भी आपको न समझ में आए तो पढ़ाना बेकार है। मैं चाह रहा हूं आराम आराम से पढ़ते रहिए, एक नोट्स आपका तैयार हो जाए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो यहां पर होगा महावीर स्वामी। कौन होगा? महावीर स्वामी। ये कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम के वैशाली निकट हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर तपस्या शुरू करते हैं। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। 42 वर्ष में ये जुमकिम ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते, इसे हम कैवल्य कहते हैं। ज्ञान के बाद महावीर जिन विजेता अहर्म पूज्य और निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए। पावा में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 साल की उम्र में। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका बी है। क्या है? बी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पहला ऋषभदेव, तेईसवां पार्श्वनाथ, चौबीसवां महावीर, अजितनाथ क्या थे? जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आप देखिए धीरे धीरे अगर आप क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते जा रहे हैं कितना बढ़िया आप सही कर रहे हैं। और ये ट्रेंडिंग वाले सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम ऐसे प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं। त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इसके पांच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये इनके पांच व्रत और त्रिरत्न व त्रिपटक था या त्रिरत्न है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहां प्राप्त किया? बाईसवें अरिष्टनोमी थे। कोई पूछ रहा सर बाईसवें आप नहीं बताए थे। देखिए यहाँ पे किसी ने पूछा सर आपने सब बताया, बाईसवां नहीं बताया। देख लीजिए भैया मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बाईसवां आप लोगों ने पूछा नहीं बताए थे, तो अरिष्टनेमी थे। लिख लीजिएगा भैया अरिष्टनेमी। ठीक है बताइए। जी हाँ पावा में, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था पावा, इसे पावा या पावापुरी कहते हैं, पावापुरी कहते हैं। यहां पर इन्हें परिनिर्माण की प्राप्ति, ये बिहार राज्य के नालंदा में स्थित है। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम। ठीक, कोई डाउट किसी को समस्या है पूछ सकते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? देखिए पहली चीज तो जानिए त्रिपिटक क्या है। केवल के प्रातीक व त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म से है। अगर यहां पे त्रिरत्न होता त्रिरत्न, तब सम्यक ज्ञान, ठीक, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक चरित्र,
सम्यक चरित्र, ये किससे था? ये जैन धर्म से था। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न के आधार पर जैन साहित्य को क्या कहते थे? तो जैन साहित्य को अंग या आगम का सिद्धांत कहते थे। इसके अंतर्गत 10 इसके अंतर्गत अंग 10, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4 आते थे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा। क्या आपको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ये जैन धर्म से है। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये पाली प्राकृतिक संस्कृत भाषा में लिखी गई, पाली प्राकृतिक संस्कृत भाषा में लिखी गई। आचारांग सूत्र में जैन आचार का वर्णन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र है। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो कौन सा है? भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र ये क्या है? एक ग्रंथ है। राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये ग्रंथ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर करें, क्योंकि हम आपको व्याख्या इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ज्यादा से ज्यादा। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध से है और त्रिरत्न ये जैन धर्म से है, याद रखिएगा। त्रिपिटक मैंने ऊपर भी बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां पे गलत नहीं होगा आपको। सोत्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये बुद्ध से है और जैन धर्म से त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म का राजकीय प्रसिद्ध देने वाला शासक महापद्मनंद था, जो नंद वंश का था। अशोक का पौत्र संपत्ति जैन का अनुयायी रहा। कलिंग के जो नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी पर जैन साधुओं के लिए गुफा बनवाया। जी हां, लेकिन यहां पे प्रश्न पूछा है शासक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चंद्रगुप्त होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा किससे ली थी? किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से दीक्षा ली। कहां पे ली थी? श्रवण बेलगोला में। कहां पे लिया था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना उनके लिए है। ठीक, ये कहां पर है? ये कर्नाटक में, ये चंद्रगिरी पहाड़ी पर है। कब लिए थे? 298 ईसा पूर्व। किसके द्वारा? उपवास में अपना शरीर त्याग किया था। किसमें? शरीर त्याग। किसमें किया था? उपवासन में। इसे क्या कहते हैं? सलेखना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी है। अगर इससे बेहतर अगर आपको लगे कोई समझा देगा तो भैया, जैन भी दो संगतियां हुई थी। पहली जो संगति हुई थी वो स्थूल भद्र के समय हुई थी, जहां पे जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर समता विभाजन के 12 अंगों का संपादन हुआ था। द्वितीय संगति
देवर्धरी समारोह में जैन साहित्य के संचरण में हुआ था। ठीक, जैन संप्रदाय क्या थे? श्वेतांबर, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूल बाहु के अनुयायी थे और दिगंबर नग्न रहते थे। इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं नई चीज़ें और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ, दो तीन चीज़ें मैं और आपको बता दूंगा जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, गोमतेश्वर जिल जिसे बाहुबली कहा गया, कर्नाटक के हासन जिले में श्रवण बेलगोला में। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, यह आपका आखिरी टॉपिक है, यहीं से अब हम लोग अन्य चीज़ों पर टॉपिक करेंगे। यहाँ से कई नोट आपको लिखवा देंगे जो आपको नोट करके रखना है। जरा कॉपी कलम लेकर थोड़ा सा बैठ जाइए। जो चीज़ छूट गई हैं, ये ऑनलाइन क्लास है, नोट संबंध में अगर जानकारी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी पी दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये लोग यूट्यूब पर जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम जैन धर्म के बात करें तो ये प्रथम संगति इनकी हुई थी, प्रथम संगति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। यहां से ये दो भागों में बट गए थे। कितने भागों में? दो भागों में। यहीं पर बना, यहां पे दो भागों में। एक था पहला श्वेतांबर, दूसरा क्या था? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, दिगंबर। अब जो श्वेतांबर था, इसके अनुयायी कौन थे? अनुयायी स्थूल बाहु, स्थूल बाहु। दिगंबर की बात करें, ये नग्न रहते थे। इनका नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने। ये प्रथम जो संगति था, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो यहां पे 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय होता है 513 में, जहां पे जैन साहित्य का क्रमवार संकलन होता है। तो यहां से आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। इनके पंच महाव्रत थे, क्या आपको पता है पंच महाव्रत कौन थे? किसी कितने लोगों को पता है पंच? महाव्रत इसका संबंध जैन धर्म से है। कौन कौन से थे लिख लीजिएगा। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। ये किसके लिए था? ये भिक्षुओं के लिए था, अस्ते। चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। इसके बारे में अहिंसा माने मन वचन कर्म से किसी के असंगत व्यवहार न करिए, हिंसा मत करिए, सत्य मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्ते चोरी न करना, अपरिग्रह दूसरे के संपत्ति ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर संगम, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। देखिए, यहां पर एक प्रश्न आपका और पूछेगा जो मैं बता रहा हूं। यहां पर जो चार है, ये चार ये किसने जोड़ा था? ये पार्श्वनाथ ने। किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्श्वनाथ। और ये जो पांचवा है, ये कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये भी अगर परीक्षा में थोड़ा डीप में जाएगा तो एक बार ये पूछ सकता है कि पांचवा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। गृहस्थ जीवन जीते हुए पंच अणुव्रत जैन धर्मावलंबियों का पालन करना अनिवार्य था। परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग की कल्पना की गई, जिसमें श्यादवाद या अनेकादवाद कहा गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? आप पूछ सकते हैं। देखिए, जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्याग करना सलेखना कहलाता है। ऊपर मैंने बताया था सलेखना एक शब्द था, सलेखना। ऊपर मैंने बताया था, याद होगा, सलेखना के द्वारा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य अपना उपवास रखकर अपना शरीर त्याग करते। 298 ईसा पूर्व चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। किससे दीक्षा लिया था? भद्रबाहु से लिया था। श्वेतांबर इसे संथारा था, दिगंबर को संलेखना कहते हैं। ठीक है,
जो श्वेतांबर है, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जो श्वेतांबर होते हैं, इसे संथारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। दिगंबर इसे सलेखना कहते हैं। दिगंबर इसे क्या कहते हैं? इसे सलेखना कहते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा को आत्महत्या करार देकर प्रतिबंधित कर दिया गया। 31 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय इस निर्णय पर रोक लगा दी। तो यहां पर ये कई विवाद है। पुद्गल काल, आकाश, धर्म, अधर्म सभी आजीव है। जैन धर्म की शिक्षा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जाते जाते कि जैन धर्म की अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें, तो ये जो जैन धर्म था ना, यहां पर संसार दुखमूलक है, मनुष्य जरा जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, मृत्यु से ग्रस्त है, इसे सांसारिक जीवन की तृष्णा व्यक्ति को घेरे रहती है। संसार एक वास्तविक तथ्य है जो अनादिकाल से विद्यमान है। जैन धर्म पूर्ण जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। संसार जीवन तथा अजीव से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व और अजीव अचेतन जड़त्व है। देखिए, चंदेल शासक धड़ ने खजुराहो तथा सोलंकी ने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि परीक्षा में इससे बाहर कोई भी ज्ञान ना, एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में ना। समाधि मरण जैन धर्म से है। समाधि मरण सलेखना, समाधि मरण इसे कहते हैं, ये जैन धर्म है। महावीर का पहला शिष्य कौन था, किसी को पता है? महावीर का पहला शिष्य कौन था? देखिए, महावीर का जो पहला शिष्य था, इनका जो शिष्य पहला था, कोई बता सकता है कौन था? जमाली। किसी किसी किताबों में जमाता है, ये शिष्य जमाता था। अणुव्रत, स्यादवाद, ये जैन धर्म से है। फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने गुप्त वंश के बौद्ध शिक्षा के लिए बनाया था। विक्रमशिला बिहार में धर्मपाल पाल वंश के ब्रजयान शिक्षा के लिए बनाया गया था। ये भी पूछा जाता है, तो मैंने वो भी बता दिया। अच्छा, दो बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा, नालंदा कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने? कुमार गुप्त, ये गुप्त वंश का शासक था बौद्ध शिक्षा के लिए। विक्रमशिला, ये परीक्षा वाला प्रश्न है, ये धर्मपाल ने बनवाया था, ये पाल वंश का शासक था। और यहां पे बज्रान शिक्षा होता था। ठीक, तो अब इसके अलावा भी अगर आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म बिंबसार, अजातशत्रु, प्रश्नेतनी, उदयन, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, इसको राजकीय संरक्षण देते हैं। ठीक है, और बताइए कुछ आप लोग को जो समझ में ना आ रहा हो या जो कुछ पूछना चाह रहे हो वो पूछ सकते हैं। बौद्ध जो जो बौद्ध गौतम बुद्ध की माता कोली वंश थी। अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। स्तूप सबसे पहले शब्द कहां मिलता है पता है? स्तूप ये ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, हमने काफी चीजें बताने का प्रयास किया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। निर्माण जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना कहलाता है। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, जामिल महावीर का दामाद था। जमाती, जमाती माने दामाद ही होता है। इसके बाद अन्य टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे महाजनपद काल है, बुद्धकालीन जो प्रमुख गणराज्य था, महाजनपद, उनकी राजधानियाँ क्या है, तो ऐसे ऐसे तथ्यों को लेकर आएंगे। डेली क्लास में आप लोग लाइव रहा करिए। सभी क्लास के जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ पर आप दुर्गेश सर सर्च करके
ई लर्निंग भी दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगर ऐसी सीरीज यूट्यूब पे कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ पर पढ़िएगा, क्योंकि आप ज्ञान के लिए पढ़ने आते हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। और ज्ञान तभी होगा जब पढ़ाने वाला व्यक्ति को ज्ञान हो, जब वो तथ्यों को जानता हो। लेकिन अब जो मैंने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो श्रवण बेलगोला है। डी प्रश्न का सही जवाब है, डी प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में है। यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है किसने बनवाई है? चामुंड राय ने बनवाई है। किसने बनवाई है? चामुंड राय ने बनवाई है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस आपकी उम्मीदों, आपके सपनों और आपके सिलेक्शन से है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा।